गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सुपर क्लास टेट्राकोडा. इन लास्ट क्लास वी हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट सुपर क्लास स्पीशीज, देयर जनरल कैरेक्टर्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर सुपर क्लास विच इज टेट्राकोडा. द टर्म टेट्राकोडा मीन्स टेट्रा यानी फोर एंड कोडा यानी लेग्स. टेट्रा मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रा मीन्स फोर एंड कोडा यानी लेग्स. दैट मीन्स ऑल दोज एनिमल्स इन विच two pairs of legs or limbs are present as a locomotory organs, they are included in superclass tetrapoda. Okay, so superclass tetrapoda, it includes four different classes, and what they are? Class 1 is amphibia, class 2 is reptilia, class 3 is aves, and class 4 is mammalia. So first we will discuss about class amphibia. Okay, so let's make our heading class amphibia. Actually the class the term amphibia, it is derived from two words. Amphi means double or dual, plus bios yani life. That means these animals are actually adapted for two different modes of life. That means kya hoga yahan pe, these animals are adapted for two different modes of life. कौन सी दो मोड है लाइफ की? एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल. यहां तक क्लियर हो गया? तो एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दो अलग मोड ऑफ लाइफ के लिए अपने आप को अडेप्ट कर पाए. एक्चुअल में हुआ क्या था, जब इवोल्यूशन प्रोसीड हो रहा था, इवोल्यूशन आगे बढ़ रहा था, तो हमने अब तक क्या देखा, जो सुपर क्लास स्पीशीज वाले एनिमल्स थे वो कम्प्लीटली कहाँ रहते थे, एक्वेटिक एटमोस्फेयर में रहते थे. लेकिन जैसे जैसे एटमोस्फेरिक कंडीशन चेंज हुई, वैसे वैसे क्या हुआ, उस एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो इंक्रीज हुआ. अब नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे उनके बीच में आपस में स्ट्रगल होने लगा, फाइट होने लगी. वो स्ट्रगल किस चीज के लिए थी, एनिमल्स की या किसी भी ह्यूमन बींग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है कि उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाना चाहिए और मेटिंग पार्टनर चाहिए. तो क्योंकि जब एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत बढ़ गए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी रहने की जगह के लिए, खाने के लिए और इवन मेटिंग पार्टनर के लिए. तो कुछ एनिमल्स जो थे उन्होंने अपने अंदर जो है स्ट्रक्चरली फंक्शनली दैट मीन्स वी कैन से फिजियोलॉजिकली, है ना, तो कुछ एनिमल्स ने अपने आप को दूसरे मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट करने की कोशिश की. यानी ये जो एनिमल्स थे इन्होंने अपने आप को एक्वेटिक एटमॉस्फेयर से कहाँ ट्रांसफर करने की कोशिश की, टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में, है ना. तो ये जो एनिमल्स हैं एम्फीबिया, ऐसे पहले एनिमल्स हैं जिन्होंने ये कोशिश की कि वो पानी को छोड़ के कहाँ जाए, जमीन पे चले जाए. तो इसीलिए ये एम्फीबियन एनिमल्स जो है वो उनमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो है वो फिशेस के पाए जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो रेप्टिलिया के पाए जाते हैं. तो इसीलिए एम्फीबिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने इस ट्रांजिशन को किया, है ना, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एटमॉस्फेयर से ये टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में जाने की इन्होंने कोशिश की और ये कुछ हद तक कामयाब भी हुए, ठीक है. तो उसके अलावा देखिए जो एम्फीबिया है, ये तो इनकी ये बात हुई कि एम्फीबिया जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है. क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने उस ट्रांजिशन को करने की कोशिश की, इन्होंने पानी को छोड़ के जमीन पे जाने की कोशिश की. एक चीज और देखिए कि जो हमारा, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में जो है हम लोग फाइलोजेनिक हिस्ट्री जो है उसे तीन एरा में डिवाइड करते हैं. वन इज पैलियोजोइक एरा, दूसरा एरा जो होता है वो होता है मीजोजोइक एरा, और थर्ड जो है जो अभी चल रहा है इट इज सीनोजोइक एरा, ठीक है. तीन एरा के अंदर हम फाइलोजेनिक हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. पैलियोजोइक एरा जो है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू सिक्स पीरियड्स. कौन से पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन,
कैम्ब्रियन ऑर्डोविशियन सिलूरियन डिवोनियन कार्बोनिफेरस एंड परमियन। ठीक है, तो ये जो पैलियोज़ोइक एरा है उसे हम लोगों ने किस में डिवाइड किया है, 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है, है ना। तो ये जो फिर पीरियड्स जो है वो फर्दर आपको चीज में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पैलियोज़ोइक एरा था इससे पहले एज़ोइक एरा आता है जहाँ पे लाइफ जो है वो इवॉल्व नहीं हुई थी, ओरिजिनेट नहीं हुई थी। तो लेकिन कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर जो है लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। और जो हमारा डिवोनियन पीरियड है, डिवोनियन पीरियड जो है इट इज नोन एज एज ऑफ फिशेस, यानी इस पीरियड के अंदर फिशेस जो थी उनका नंबर बहुत ज्यादा था और वो पूरी तरह से फ्लरिश कर रही थी, है ना। लेकिन उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस पीरियड डिवोनियन के बाद। तो कार्बोनिफेरस पीरियड इज एक्चुअली नोन एज एज ऑफ एम्फीबियंस। क्या कहलाएगा ये, एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, तो जो कार्बोनिफेरस पीरियड होता है इट इज नोन एज एज ऑफ एम्फीबिया एंड डिवोनियन पीरियड इट इज नोन एज एज ऑफ फिशेस। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। क्लास एम्फीबिया वाले एनिमल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक, और वी कैन से दे आर सेमी एक्वेटिक एनिमल्स, दैट मींस वो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, है ना। जनरल कैरेक्टर्स देखें इसके, दे आर एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, यानी पानी में भी पाए जाएंगे और जमीन में भी रह सकते हैं। एयर एंड वाटर ब्रीदिंग, एयर एंड वॉटर ब्रीदर, कोल्ड ब्लडेड कार्निवोरस, कार्निवोरस कोल्ड ब्लडेड ओवीपैरस टेट्रापोड वर्टिब्रेट। क्या कैरेक्टर है देखिए, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक, दैट मींस वो पानी में रहते हैं या यूं कहें कि सेमी एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में भी रहेंगे और जमीन पे रहने में भी समर्थ होते हैं ये, है ना। एयर एंड वाटर ब्रीदर, अब क्योंकि पानी में रहते हैं तो ऑफकोर्स इनमें क्या होगा, पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाएगा, दैट मींस प्रेजेंस ऑफ गिल्स, और लेकिन से उनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है और उसमें ग्लैंडुलर सेक्रेशन म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इनकी जो स्किन है वो पानी में रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करती है, और इवन जो माउथ कैविटी है उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है ये भी इनको वाटर में रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जमीन पर रहने के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं। कार्निवोरस, दैट मींस ये मांसाहारी होते हैं। कोल्ड ब्लडेड, और वी कैन से पायोकिलोथर्मिक, तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होगा, इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग होते हैं। टेट्रापोड मतलब इनमें लोकोमोशन के लिए टू पेयर्स ऑफ लिम्स या लेग्स पाए जाते हैं। हेड डिस्टिंक्ट, सेकंड कैरेक्टर देखिए, हेड डिस्टिंक्ट, ट्रंक इलॉन्गेटेड बट नेक एंड टेल इज एब्सेंट, टेल इज एब्सेंट और प्रेजेंट, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट हो सकती है और कुछ में एब्सेंट हो सकती है। लिम्स यूजुअली टू पेयर्स, पेंटाडेक्टाइल मतलब दो पेयर्स जो हैं, यानी चार उनमें पांव पाए जाएंगे, लेग्स पाए जाएंगे और पेंटाडेक्टाइल होंगे, यानी उनकी जो डिजिट्स हैं फिंगर्स जो हैं उनमें पांच फिंगर्स पाई जाएगी, है ना। उसके अलावा देखिए पेयर्ड फिट एब्सेंट है,
जैसे सुपर क्लास स्पीशीज के एनिमल्स के अंदर टू पेयर्स ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक जो फिन थे वो प्रेजेंट थे, है ना, लेकिन इनके अंदर वो पेयर फिन जो है वो एब्सेंट है. मीडियन फिन प्रेजेंट हो सकता है बट विदाउट फिन रेज. क्लियर. नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इसका, क्लास एम्फीबिया का स्किन जो होगी वो इनकी सॉफ्ट होगी, मॉइस्ट होगी, ग्लैंडुलर होगी और इवन पिगमेंटेड होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड सेल्स नोन एज क्रोमेटोफोर्स. तो किस तरह की स्किन पाई जाती है इनकी, देखिए स्किन जो है इट इज सॉफ्ट, मॉइस्ट, ग्लैंडुलर. स्किन सॉफ्ट, मॉइस्ट, ग्लैंडुलर, पिगमेंटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर सेल्स. क्रोमेटोफोर सेल्स जो होंगी दे आर एक्चुअली पिगमेंटेड सेल्स. तो इनकी स्किन जो होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट होगी. सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर जो है वो एक्सोस्केलेटन यानी स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, है ना. मॉइस्ट क्यों होगी, क्योंकि इनके ऊपर जो है बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है स्किन के अंदर जो कि म्यूकस सिक्रीट करती रहती है, तो वो म्यूकस की कोटिंग जो है वो इनकी स्किन के ऊपर पाई जाएगी जिसकी वजह से स्किन जो है वो सॉफ्ट भी होगी और मॉइस्ट भी होगी. पिगमेंटेड स्किन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट सेल्स व्हिच इज नोन एज क्रोमेटोफोर्स. एक्सोस्केलेटन इनके अंदर एब्सेंट है. एंडोस्केलेटन जो होगा वो बोनी होगा. एंडोस्केलेटन बोनी, स्कल विथ टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ये एक नया चीज है यहां पे. स्कल विथ टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल. अब आप देखिए कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन तो एब्सेंट है, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता लेकिन अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है जो कि बोनी होता है ना, बोन से बना होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो स्कल होता है इट हैज टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स. टू ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स का मतलब एक्चुअल में इनका जो स्कल होता है वो कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर होता है और यहाँ पे दो इस तरह से कोंडाइल्स पाए जाते हैं. ये जो कंडाइल्स है वो इनको फर्स्ट वर्टिब्री जिसे हम एटलस कहते हैं उससे जोड़ने में हेल्प करते हैं स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से. तो दैट मीन्स इनके पास क्या पाए जाएंगे, दो ऑक्सीपिटल कंडाइल इनके स्कल के अंदर पाए जाएंगे जिससे जो स्कल है वो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री जिसे एटलस कहेंगे उसके साथ जुड़ता है. क्लियर. फिर नेक्स्ट देखिए इनका माउथ जो होता है बड़ा होता है और अपर और लोअर जॉ के अंदर छोटे छोटे और समान जो है वो टीथ पाए जाते हैं. माउथ लार्ज, बड़ा माउथ होगा. फ्रॉग का माउथ देखा होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा माउथ होता है ना. सो अपर एंड लोअर जॉ बोथ हैव स्मॉल होमोडेंट टीथ. होमोडोंट टीथ मतलब दांत जो होंगे ना, यानी मुंह तो बड़ा है और ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े के अंदर क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे लेकिन एक समान आकार के टीथ पाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे दांत जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं. हमारे फ्रंट वाले जो है वो इंसाइजर्स हैं, फिर साइड वाले जो है वो केनाइन्स है, उसके पीछे वाले जो है वो प्री मोलार्स है और फिर मोलार्स है. तो ये जो हमारे टीथ हैं वो स्ट्रक्चरली भी अलग है और फंक्शनली भी अलग है, लेकिन इनके अंदर जो टीथ है वो साइज में छोटे होंगे और सभी एक प्रकार के पाए जाएंगे. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड की यूज किया, होमो. होमो यानी सिमिलर. तो होमोडोंट टीथ जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं. रेस्पिरेशन जो है वो इनमें कैसे होगा, रेस्पिरेशन बाय लंग्स. स्किन एंड बाय इंटरनल लाइनिंग ऑफ माउथ.
यहाँ पे आप देखिए जो श्वसन की क्रिया है, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, जब वो जमीन पे रहता है तो लंग्स के थ्रू उसमें रेस्पिरेशन होगा मतलब, और लेकिन अगर ये पानी में रहता है जिस समय, तो उसमें उसकी स्किन जो है जो कि मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, ग्लैंडुलेटेड है ना, तो उससे और माउथ की इंटरनल लाइनिंग से पानी के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो होगा। फिर देखिए जो सुपर क्लास स्पीशीज थी उसके अंदर हार्ट जो था वो टू चैम्बर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम क्या बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे एनिमल्स जो है वो अपने आप को न्यू एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट के अंदर भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, इनका जो हार्ट होता है एम्फीबिया का वो कैसा होता है, हार्ट इज थ्री चैम्बर टू ओरिकल, दैट मींस दो आलिंद पाए जाएंगे और वन वेंट्रिकल, एक निलय पाए जाएंगे। एरिथ्रोसाइट जो होगी वो कैसी होगी, लार्ज ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं जो है इट इज लार्ज, बड़ी होंगी, ओवल होंगी एंड न्यूक्लिएटेड होंगी, मतलब उनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए इनका, किडनी जो होगी वो मीजोमैफ्रिक होगी इनकी, और ये कैसे एनिमल होंगे, यूरियोटैलिक, दैट मींस ये नाइट्रोजिनस फेस जो है वो किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, यूरिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ब्रेन इनका पुअरली डेवलप होगा, विथ 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। कितनी नर्व्स पाई जाएंगी इनके अंदर, ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स को हम क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स ओरिजिनेट होती है दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। सो इनके अंदर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो पाई जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके अंदर, बोथ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, अलग अलग होंगे, एंड मेल विदाउट एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी मेल में मैथुनांग जो है वो नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, फीमेल जो है वो ओवीपैरस है, अंडे देती है, निषेचन की क्रिया पानी में बाहर होगी, डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, दैट मींस लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होंगी, नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं क्लास एम्फीबिया के। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, ये एनिमल्स जो होंगे वो कैसे एनिमल्स हैं, ये फाइलोजेनेटिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ट्रांजिशन को किया, इन्होंने पानी को छोड़ के जमीन पे अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश की, इसीलिए ये एनिमल्स जो है इनमें कुछ कैरेक्टर फिशेस के पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर जो है वो रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं, और इसीलिए ये डबल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्ट कर पाए अपने आप को, है ना। तो ये एनिमल्स जो होंगे वो सेमी एक्वेटिक होंगे, जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। पानी में क्यों जाते हैं ये, पानी में एक्चुअल में ये अपना जो एग लेइंग का प्रोसेस है ना, वो पानी में जाके करते हैं। तो जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो कहाँ कम्प्लीट होता है इनका, पानी के अंदर कम्प्लीट होता है, दैट मीन्स स्टिल दे आर डिपेंड ऑन वाटर, है ना, एक्वेटिक एटमोस्फियर। तो ये एनिमल्स जो है वो इस तरह के हैं, इनके जनरल कैरेक्टर आप समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। Thank you so much.